टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में एक एक करके बहुत ही अमेजिंग ट्विस्ट और टर्न आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। आज रात की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे जगताप के गाल पर तमाचा मारकर विराट ये प्रूफ कर देगा कि साईं और उसके बाबा के साथ वो खड़ा हुआ है। यहाँ पर विराट जगताप को वार्निंग देगा और कहेगा कि अगर अब से तूने साई के आसपास भी कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर तूने आबा को परेशान करने की सोची भी तो मुझसे पहले तुझे आकर के निपटना होगा। ये वार्निंग देकर वहाँ से जगताप चला जाता है, और विराट को ये धमकी देकर कि जो तूने किया है उसका इल्ज़ाम तुझे भुगतना होगा और कुछ भी अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विराट को अपने घर पर पूजा के लिए साईं के आबा इन्वाइट करते हैं और कहते हैं कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप प्लीज़ टाइम निकाल कर मेरे घर पूजा शामिल होने ज़रूर आइएगा। दूसरी तरफ विराट बार बार सनी को कॉल करता है पाखी के नंबर पता लगाने के लिए और कहता है कि मैं बार बार ट्राई कर रहा हूं लेकिन उसका नंबर लग ही नहीं रहा है। तो वहीं पर सनी विराट को ये कहता है कि तुझे नहीं पता जिसके साथ तू इतना दिल लगा करके बैठा है उसको ढूंढ के निकालेगा तेरा ये दोस्त। और तुझे बता दूं कि हमारे घर जो बहनी आ रही हैं उनका गांव और हमारी पाखी भाभी का घर भी आसपास ही है, और मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं कि आखिर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और क्या हुआ है जिसकी वजह से वो तेरा फ़ोन पिक नहीं कर रही। विराट यहां पर थोड़ा सा शांत हो जाता है और सोचने लगता है पाखी के बारे में कि जब वो उसे मिलेगा तो क्या कहेगा, कैसा होगा सब कुछ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पाखी शादी के लिए हाँ कर देती है और विराट के बड़े भाई के साथ उसका रिश्ता पक्का हो जाता है, और विराट के घर वाले शगुन लेकर के पाखी के घर वालों को रिश्ता कंफर्म कर देते हैं और 4 दिन बाद की शादी की डेट भी निकाल लेते हैं। एक तरफ तो चल रही है शादी की तैयारियां, दूसरी तरफ विराट पाखी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। तो अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे विराट का भाई कॉल करता है विराट को और उससे शादी पर आने के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि एक काम कर, मेरी शादी में तू अपनी वाली को भी लेकर आ और इस बहाने वो हम सब से और हमारी फैमिली से मिल भी लेगी और तेरे रिश्ते की बात भी हो सकता है हम यहाँ चला ले। विराट को आइडिया पसंद आता है, वो पाखी को मैसेज करता है कि मेरे भाई की शादी है, मैं तुम्हें साथ में ले जाना चाहता हूँ एंड आई विश कि तुम रिप्लाई करो। तभी आप देखेंगे कि विराट मैसेज कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर साईं की एंट्री होती है और वो उसे प्रसाद देने के लिए आती है और उसके साथ मिसबिहेव करती है, जिसे देखकर विराट उससे कहता है कि तुम अगर डॉक्टर बन भी गई तो तुम्हारे पास कोई पेशेंट नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी ज़ुबान इतनी कड़वी है कि दवाई भी इसके सामने कुछ नहीं। दूसरी तरफ जगताप साईं को परेशान करता होता है और वो उससे धमकी देता है कि अगले 2 दिन के अंदर अंदर वो उसे अपनी पत्नी बना करके किडनैप करके ले जाएगा, जैसे जो करना है वो कर ले। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और विराट के सामने आते ही उस पर भड़क पड़ती है और कहती है कि आपने मेरे आबा का रेजिग्नेशन सेंक्शन क्यों नहीं किया, अगर आपकी वजह से मेरे बाबा को कुछ हुआ या फिर मेरी लाइफ बर्बाद हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आबा को काम के सिलसिले से पुणे जाना होता है और साईं की जिम्मेदारी वो विराट को सौंप कर जाते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं नहीं आ जाता आप मेरी साईं का ख्याल रखिएगा। अब ऐसे में देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि जब विराट साईं का ख्याल रखने उसके घर पहुंचेंगे तब साईं का क्या रिएक्शन होगा और कैसे बढ़ेगी इन दोनों के बीच की दूरी नज़दीकियाँ में, ये सब कुछ आने वाले ट्रैक में देखना होगा, बेहद दिलचस्प। We'll be right back.